दोस्तों लॉकडाउन 2.0 यानी कि दूसरा लॉकडाउन आप सभी को पता है बढ़ा दिया गया है और ये लॉकडाउन 3 मई 2020 तक चलेगा। इसी के चलते मुंबई के बांद्रा इलाके में आज हजारों की भीड़ बाहर निकल गई। आप लोगों के साथ मैंने कई दिनों से बहुत सारे मजदूर भाइयों के वीडियो शेयर किए और आपको दिखाए कि किस तरह से मजदूर अलग अलग जगहों पर फंसे हुए थे, और इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ मजदूरों के वीडियो दिखाऊंगा और साथ ही साथ जो मुंबई में घटना हुई है उसके भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले मैंने कई बार ये कहा है कि 21 दिनों का जो लॉकडाउन है उसी लॉकडाउन में लोग परेशान हो गए थे, क्योंकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग राज्यों में बहुत सारे मजदूर भाई जो ऐसे हैं जिनके पास ना तो खाने के लिए खाना है ना तो रहने के लिए कोई उनको रूम मिल रहा है, क्योंकि जिस रूम में वो रहते थे उनके पास पैसे ना होने की वजह से उनके जो मकान मालिक है जो रूम के ऑनर हैं उन्होंने बाहर निकाल दिया। ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे लोगों को जो है परेशानियां झेलनी पड़ रही, इस पर राज्य सरकारों को संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन संज्ञान नहीं लिया गया। और फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज जब देश को संबोधित किया और उन्होंने लॉकडाउन 2.0 का ऐलान कर दिया और 3 मई तक इस लॉकडाउन को बढ़ा दिया। उम्मीद मजदूर लोग ये कर रहे थे कि शायद 21 दिनों के बाद कोई छूट दी जाएगी, हमको घर भेजा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके चलते वो मजदूर बाहर निकले। लेकिन इसमें भी कुछ मीडिया वाले साजिश या धर्म का यानी कि मसाला लगा करके लोगों को पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, मीडिया की बात हम आगे करेंगे, पहले आप इन वीडियो फुटेजेस को देखिए जो कि मुंबई के बांद्रा इलाके के हैं, वॉच करिए। तो ये पहला वीडियो फुटेज आप लोगों ने देखा किस तरह से मजदूर भाई सड़कों पर उतरे हुए, और ये अपनी कोई खुशी में नहीं उतरे हैं पुलिस वालों के डंडे खाने के लिए, यकीनन इनके पास मजबूरी है। सरकार की तरफ से हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार की गलती, राज्य सरकार की गलती है, उनकी तरफ से जो फैसिलिटीज इनको मिलनी चाहिए थी, जो चीज़ें इनको मिलनी चाहिए थी वो चीज़ें नहीं मिली। ना तो इनको टाइम पर खाना मिल रहा था, ना तो इनको पानी मिल रहा था, ना इनको रहने के लिए छत मिल रही थी, इस वजह से परेशान होकर के इनको बाहर निकलना पड़ा। अब आपको दूसरा वीडियो दिखाते हैं कि किस तरह से पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, वॉच करिए इस वीडियो। तो जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो को भी देखा, सड़कों पर जो लोग उतरे उनके ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसी तरह की कुछ तस्वीरें आप लोगों ने दिल्ली से भी देखी थी। लॉकडाउन लगाने से पहले सरकार की रणनीति क्या है इस पर काम करना जरूरी है, उससे पहले प्लानिंग क्या है उस पर काम करने की जरूरत थी, और लॉकडाउन लगाने के बाद आप लोगों ने देखा कि किस तरह से दिल्ली में, इसी तरह दिल्ली हो, हैदराबाद हो, गुजरात में भी आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे मजदूर जो है सड़कों पर निकले और निकलने के बाद उन्होंने कुछ वाहनों में आग भी लगा दी। तो ये स्थिति हमारे देश की है, रियलिटी है, लेकिन इस रियलिटी पर राज्य सरकारें जिम्मेदारी लेने की बजाय दूसरों पर आरोप लगा रही हैं कि ये बहुत बड़ी साजिश है। अरे सर, साजिश तो बाद में देख लेना, जो जिन्होंने की होगी उन पे जो कार्रवाई है करना, लेकिन पहले ये देखिए कि क्या रियल में मजदूर परेशान हैं या नहीं है। बहुत सारे वीडियो हमने भी आपको दिखाए हैं और बहुत सारे वीडियो हैं जो दिखाएंगे, आज इस वीडियो में भी आपको दिखाएंगे। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि राज्य सरकारें अपने फेलियर को हाइड करने के लिए एक साजिश का नाम देती है। यही महाराष्ट्र सरकार भी कर रही है, जो कि नहीं करना चाहिए। पहले मजदूरों की जो समस्या है उसको सॉल्व करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं मीडिया के बारे में। बहुत सारे जैसे ही बांद्रा के इलाके में मजदूर बाहर निकले, मीडिया ने धर्म का चोला उसको पहना करके एक साजिश करार दे दिया। बहुत सारे मीडिया चैनल्स में बैठे दलाल पत्रकार लगातार अपनी दलाली पर उतर आए। उन्होंने लगातार यह कहना शुरू कर दिया कि यह तो एक बहुत बड़ी साजिश है और एक विशेष धर्म के लोग निकले हुए हैं। आप सोचिए इस मीडिया की मानसिकता कितनी खराब हो चली है। जब देश के मजदूर
और मजबूर लोग बेचारे अपने रूमों में फंसे हुए हैं, उनको खाना नहीं मिल पा रहा है, ऐसे में भी मीडिया को कहीं ना कहीं साजिश नजर आती है और धार्मिक साजिश नजर आती है। कुछ मीडिया चैनल्स में भी तो आज भी जब मजदूर सड़कों पर उतरे तो मरकज की डिबेट चल रही है कि मरकज ने ये सब फैला दिया, मरकज ने ऐसा कर दिया। अरे शर्म करो ऐसे पत्रकारों, तुमको शर्म आनी चाहिए, देश के मुद्दों पर बात करो ना कि मरकज पर। मरकज ने जो भी किया उनको उनकी सजा मिल गई। अरे कम से कम अब तो आप जो रियलिटी ग्राउंड रिपोर्ट है उस पर तो बात कर लो, ये अभी भी आपके पास फुर्सत नहीं है और आप नहीं करेंगे क्योंकि आपकी टीआरपी कम हो जाएगी ना, क्योंकि आपने ऐसे ही लोग पाल रखे हैं जिस तरह की आप डिबेट करते हैं ना, उसी मानसिकता के लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं और वो वही देखना पसंद करते हैं, इसलिए आपको रियलिटी नजर नहीं आती है। अब मैं आगे आपको दिखाना चाहता हूं कुछ वीडियो फुटेज, ये मजदूरों के वीडियो है, देखिए आप इन वीडियोस को। हाँ भाई क्या दिक्कत है आप लोग को बोलिए तो। हम लोग को ये दिक्कत है कि हम लोग कम से कम 22-23 रोज से हम लोग फंसे हुए हैं देहरादून में, ठीक है सही दरा रोड। हम लोग ये चाहते हैं नीतीश कुमार से कि हम लोग को किसी तरह घर भेजा जाए, ठीक है। यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं मिल रहा है, पानी वानी का बिल्कुल समस्या, राशन पानी कुछ नहीं मिलता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देहरादून का सरकार हम लोग को बिल्कुल देखने नहीं आता है। हम लोग ये चाहते हैं नीतीश चाचा से कि किसी तरह हम लोग को घर भेजा जाए। हम लोग का घर है अररिया जिला, ठीक है, गाँव है शेरलंगा, थाना चौकी हाट जिला अररिया। हम लोग ये चाहते हैं नीतीश चाचा से किसी तरह हम लोग को घर भेजा जाए, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हम पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, अलीपुर द्वार डिस्ट्रिक्ट के पीरपड़ा से। हम लोग यहाँ केरल में काम करने की वजह से आए थे और लॉकडाउन के दौरान यहाँ फंस चुके हैं। तो हम लोगों की ये गुजारिश है कि ये वीडियो आप मोदी सरकार और ममता बनर्जी सरकार तक पहुँचा दे ताकि हमारे यहाँ से निकलने का कोई रास्ता बन सके। हमारे यहाँ खाने को भी सही कोई ढंग नहीं है और यहाँ रहने का भी कोई ठिकाना नहीं है और हमारे पास पैसे भी खत्म हो चुके हैं। ये लॉकडाउन के वजह से हमारा काम धाम भी बिल्कुल ठप पड़ चुका है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप लोग ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मोदी सरकार और ममता सरकार तक पहुंचा से बोल रहे हैं। हम लोग 22 तारीख से आज तक बैठे हैं, 14 तारीख का टाइम था कि ट्रेन खुलेगा। यूपी का सरकार योगी जी जो है अपने सारे यूपी वाले को ले गए और हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार बोलता है बिहारी भाई वही रहो, आने वाले चुनाव है फिर उसको बिहारी भाई कितने भारी पड़ेंगे ना उसको पता चलेगा। हम लोग के पास अब खाने पीने के लिए कोई सामान नहीं बचा है। बोलता है कि घर में रहो, लॉकडाउन का पालन करो, तो घर में बैठ के क्या खाएंगे, हर दिन सोए रहेंगे, कोरोना से क्या मरेगा साला, भूख से आदमी मर जाएगा। सरकार आता है घर में देखने के लिए किसको क्या है नहीं है, तो भूखी से आदमी मर जाएगा। सीतामढ़ी का बंदा दिल्ली में फांसी लगा के मर गया भूख के कारण, वैसे हम लोग को आत्महत्या करना पड़ेगा जब हमारे बिहार का सरकार हाथ में हाथ दे के बैठा है। अब गाड़ी नहीं खुलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, पैसे भी नहीं है। अगर उससे भी विश्वास नहीं तो वहाँ पे प्रशासन को भेजिए, देखेगा क्या है नहीं है। अगर गाड़ी कल हम लोग का नहीं खुला ना हम लोग ऐसे पाँव पैदल चले जाएंगे। अब बिहार जाएंगे ना तो नीतीश कुमार को ऐसे उखाड़ेंगे कि उसको समझ में नहीं आएगा कि बिहारी कैसा होता है। अगर वो शेर है तो बिहारी सवा शेर है, रख देगा तो दब जाएगा उसी के अंदर। इस चैनल को इतना शेयर कीजिए भाई कि नीतीश कुमार जी के पास पहुँचे, हम लोग को किसी तरह सुविधा दे। और केजरीवाल भाई बोले कि राशन मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है राशन, चार रोज से आधार कार्ड लेके बुआ रहे हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा है राशन उशन। स्कूल पे खाना दिया, अभी चावल कच्चा ही है, दाल महकता है, अभी भी लेके हम आए हैं। अब क्या करेंगे, मजबूरी है, खाना पड़ता है, नहीं खाएंगे तो भूखे मरेंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने इन वीडियोस को देखा, ये अलग अलग राज्यों में फंसे हुए मजदूर भाई हैं किस तरह से अपनी आप बीती सुना रहे हैं, आपने सुना। और इस तरह के मेरे पास बहुत सारे वीडियो फुटेज हैं, यकीन मानिए मैं उतने वीडियो फुटेज आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, सैकड़ों की तादाद में डेली आते हैं। सवाल सबसे बड़ा है, काश हम हिंदू मुस्लिम के बजाय, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बजाय, धर्म के मुद्दे की बजाय, मूर्तियों की बजाय, अस्पतालों के लिए सरकारों से सवाल करते और सरकारों से पूछते और इसी के नाम पर वोट करते तो आज ये देश का हाल ना होता। हम तो हिंदू मुसलमान में लड़ जाते हैं, लेकिन अस्पतालों के लिए लड़ते तो शायद आज हमारे देश में भरपूर मात्रा में जिन चीज़ों की कमियां हैं वो ना होती। इन सारी चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है और मैं सरकार से फिर रिक्वेस्ट करता हूँ
कि प्लीज़ इन मजदूरों के बारे में आप सोचिए, इनको जो चीज़ें चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। आप एक चीज़ सोचिए, अगर आप भी कहीं होते, अगर इसी तरह से आप भी फंसे होते, अपने घर से फैमिली से दूर होते और आपको टाइम पर खाना नहीं मिल रहा होता, पानी नहीं मिल रहा होता, तो आपको कैसा फील होता, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।